नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं पुणे के एनआईवी लैब में, देश की सबसे बड़ी लैब। और खास बात यह है कि देश दुनिया में तमाम जगहों पर कोरोना वायरस सबसे पहले पहचान की गई, लेकिन भारत में जब पहचान की गई वो यहीं इसी लैब में पहचान की गई थी। और वो शख्स हमारे साथ में है, वैज्ञानिक हमारे साथ में है, जिन्होंने भारत में कोरोना के पहले केस की पहचान की थी, क्योंकि केरल में सबसे पहला केस आया था, वहां से सैंपल यहां पुणे में एनआईवी में लाए गए थे। और डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जो सीनियर साइंटिस्ट है एनआईवी पुणे में, इन्होंने ही सबसे पहले पहचान की थी कि भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज 18 इंडिया को आपने टाइम दिया। सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि जब केस आया, वहां से सैंपल आया केरल से, तो कैसे आप लोगों ने उसको डिटेक्ट किया? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे दो लैबोरेटरी ऐसी थी जो शुरू से टेस्टिंग में इन्वॉल्व है, एक तो नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर और दूसरी BSL-4 फैसिलिटी। जैसे ही सैंपल आए, तुरंत उसके एलिकोड किए गए और दोनों फैसिलिटी को सैंपल दे दिए गए टेस्टिंग करने के लिए। और जैसे ही वो रिजल्ट आया, काफ़ी देर में रिजल्ट आए, रात को 11 बजे, और रिजल्ट जैसे ही आए, हम सभी लोग जो हमारा मेन कैंपस है वहाँ पे इकट्ठा हुए। हमारी डायरेक्टर ट्रैवल कर रही थी, वो भी आई, और हमने वो सारा डेटा शेयर किया, देखा, और फिर ये डिसाइड हुआ कि हम ओवरनाइट सीक्वेंसिंग करके कंफर्म करेंगे। हम लोग वापस आए और हमारी टीम ने फिर ओवरनाइट उस वायरस को सीक्वेंस किया, बाकी और बहुत सारे टेस्ट हुए जो कंफर्म करने के लिए, और सुबह तक हम श्योर थे कि कोरोना वायरस कंफर्म हो गया। लेकिन डॉक्टर गंगा खेड़कर सर सुबह सुबह यहाँ आए, यहीं पर पुणे में थे, उनको बताया गया सारा डेटा, हमने उनको दिखाया, और शाम तक हमारे पास जीनोमिक डेटा भी 24 आवर्स हो गए थे, आ गया था, हमने उसको वो भी कंफर्म हो गया था। उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड केस भी रो में डिटेक्ट हुए, और उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को हमारे डायरेक्टर जनरल ने बताया और देश को बताया गया। ये जैसे ये तीन केसेस कंफर्म हुए, हमारा जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था कि हम इस वायरस को आइसोलेट करें, तो हमने तुरंत जो वीरो सेल्स और उसके अलावा 5 और सेल कल्चर जो हमारे पास अवेलेबल थे और हमें जो जानकारी उसमें उपलब्ध थी, उसमें हमने कोशिश की, और हम इसको 1 महीने तक कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद तो पूरी दुनिया ने और देश ने देखा कि किस तरीके से भारत ने लड़ाई लड़ी है, वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीन तैयार की। कोरोना वायरस का पहला जब केस की पहचान आप लोगों ने की, तो आपने जैसे ही पहचान की, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, जैसे ही आपको पता चला कि ये तो कोरोना वायरस है, भारत ने दस्तक दे दिया है? हाँ जी, तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पहले केसेस हुए वो वुहान से ट्रेवल करने वाले स्टूडेंट्स में पाए गए, लेकिन तब तक दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑलरेडी बहुत सारे फैल चुका था, और एक फियर तो ऑलरेडी सबके मन में था ही। और जैसे ही केसेस कंफर्म हुए, उसके पहले से ही प्रिपेयरनेस स्टार्ट हो गई थी बाकी जो BRDS लैबोरेटरी है। बट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, तो वो हम लोगों का सबसे पहला ये था कि जैसे ही ये केसेस कंफर्म होंगे, हमें वायरस मिलेगा, हमें उसके ऊपर काम करना है। सो उसके लिए जो प्लानिंग लगती है, वो प्लानिंग्स हमने स्टार्ट कर दी थी कि अगर हमें जैसे ही वायरस मिल जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे, हम क्या टेस्ट डेवलप करेंगे, हम कैसे वैक्सीन बनाएंगे। सो वो सारे जो थॉट थे, और ऐसा नहीं कि आम लोग ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, साइंटिफिक टीम के भी लोग उतने ही, बहुत सारी आशंकाएं थी, बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे ये वायरस मूव होगा, लेकिन हम लोगों ने साइंटिफिक प्लानिंग काफ़ी सारी स्टार्ट कर दी थी रिसर्च करने के लिए। ये 2 साल किस तरीके से आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीते? वैसे तो मैं NIP में काफ़ी सालों से हूँ, 22 साल से हूँ। पहले मैंने यहीं से PhD की और वायरोलॉजी सीखा, जो हमारे मेंटर थे डॉक्टर मौर्या, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी थे। लेकिन उसके बाद मैं बहुत पहले मैं BSL-3 में काफ़ी सालों तक काम करती रही, फिर हमने BSL-4 में काम किया और मैं उसकी इंचार्ज भी हूँ, और काफ़ी सारे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेट किए, जैसे कि जीका है, नीफा है, KFD है, CCHF वायरस, और वो काफ़ी डेली पैथोजेंस है। जब नीफा और बेक वॉर 2018 में, और हमने काफ़ी सारा काम किया, तो उस समय मुझे लगा कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि हमारी टीम को फील्ड में जाना पड़ा, डेड बॉडीज हैंडल करनी पड़ी,
कोरोना के समय में सबसे मुश्किल है, लेकिन जब कोरोना हुआ, पैंडेमिक हुई, तब हमें समझ में आया कि भाई नेशनल इमरजेंसी, ग्लोबल इमरजेंसी क्या होती है। जो वॉल्यूम, जो वर्क था, जो चैलेंजेस थे और जो फियर था, उसके लिए जो एफर्ट्स हमने लगातार किए, जो दो साल में हमने, दो और साल में या ढाई साल में जो हमने स्टडी किया, लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में इतनी स्टडीज की होंगी, जो पब्लिकेशंस किए इतने हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में, आई थिंक ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड होगा देश का जो हम लोगों ने इस समय बनाया है इस पैंडमिक में। दूसरी बात, जो काम किया खाली वैक्सीन के ऊपर ही नहीं, जो हमने डिफरेंट रिसर्च स्टडीज की, ब्रेक थ्रू हो, री इन्फेक्शन हो, या अलग अलग जो डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने की एनिमल मॉडल्स में प्री क्लिनिकल स्टडीज़ है, मोनोक्लोनल स्टडीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ मोडलिटी ऑफ थेरेप्टिक्स, ड्रग्स, मोनोक्लोनल्स, एंटीवायरल्स, और वो इतनी स्पीड से जो काम किया, आई थिंक मेरे लिए मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा लर्निंग लेसन था, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, हमने अपनी एबिलिटीज़ को हाईएस्ट पैरामीटर्स में ले जाकर के। आप लोगों ने पहचान तो लिया कोरोना वायरस का केस भारत में आ चुका है, वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लग भी चुकी है। अब किस तरीके की चैलेंज देखती हैं भविष्य में, क्योंकि केसेस तो भारत में बहुत कम हो गए, लेकिन कुछ ऐसे देश जहाँ पर केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं, तो भारत में किस तरीके से देखते हैं? अगर एज ए साइंटिस्ट आप मुझसे पूछे, तो जो अभी भारत का प्रयास चल रहा है कि बूस्टर डोज को बढ़ाने के लिए, और अभी 12 से 14 साल की भी वैक्सीन चल रही है बच्चों को देने के लिए, तो ये जो हमारा एंटीबॉडी लेवल प्रोटेक्शन है कम्युनिटी में, हमें मेंटेन करके रखना होगा, बूस्टर देना चाहिए बाकी लोगों को भी, जिससे कि जो रिस्क है बाकी कंट्रीज से आकर के इन्फेक्शन होने का, अगर हम बहुत अच्छे से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, तो हम इसको, जैसे ओमिक्रॉन के टाइम पे एक फियर था कि अगर ओमिक्रॉन फैलेगा तो हम लोग काफ़ी अफेक्ट होंगे, और जैसे डेल्टा के टाइम पे सेकेंड वेव में काफ़ी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, हॉस्पिटलाइजेशन, वैसी सिचुएशन आ सकती है, बट एक अच्छे वैक्सीन कवरेज और हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से हम काफ़ी आसानी से स्मूथली इस वेव में निकल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात है कि हमें अपना ये मेंटेन करके रखना होगा वैक्सीन प्रोग्राम, और जो बाकी लोग छूटे हुए हैं अभी वैक्सीन नहीं है, उनको भी वैक्सीन लगानी चाहिए, जो इवन बच्चे हैं कमिंग सेम, चूँकि हम अभी नॉर्मल फेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वैक्सीन जब हमारा अप्रूवल हो जाए तो उन्हें भी वैक्सीन, मतलब वैक्सीनेशन में किसी तरीके की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि कुछ जगहों पर मास्क में देखा है कि लोग कम लगा रहे हैं, और थोड़ी सी ढील भी हुई है, तमाम सख्तियाँ थी अब पहले से ढील हुई है। आपको लगता है कि कंटिन्यू रखना चाहिए मास्क को, या अब थोड़ा सा वो ढिलाई हो गया? आप जानते हैं कि बहुत सारे दुनिया के जो देश हैं उन्होंने ऑलरेडी मास्क फ्री कर दिया है, और इंडिया में बहुत सारे स्टेट अभी वो कोशिश करने जा रहे हैं, बट इस जो प्रक्रिया है, कभी ना कभी तो हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनको मॉर्बिडिटी है, जिनको कभी नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुए, खाली दो डोज वैक्सीन ही लगाई है, उनको ज़रूर ये कोशिश करना चाहिए कि वो मास्क लगाए, क्योंकि हम सबको पता है कि वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ से, लेकिन आप इन्फेक्शन होने से नहीं। मास्क लगाना जरूरी है। एक सवाल, आखिर सवाल आपसे, वैक्सीन तो तैयार हो गई, आप लोगों ने पहचान भी कर लिया है, अब आगे का क्या चैलेंज देखती हैं? अब किन चीज़ों पे खास करके कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो उसको लेकर क्या काम कर रही हैं? अभी जो हम ICMR जो एक स्टडी कर रहा है, जिसमें बूस्टर डोजेस का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि बूस्टर लगाने के बाद इम्यूनिटी का लेवल कब तक रहेगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। एक और स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में देख रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी कब तक और कितने टाइम तक बनी रहेगी सेकेंड डोज के बाद। उसके अलावा अभी हमने रिसेंटली कुछ स्टडी जो ख़त्म हो रही थी इन्फेक्शन के बारे में, वो उसका भी डेटा भी हम लाएंगे। कुछ एक ऐसी स्टडी भी हमने भी प्लान की जो ख़त्म हो रही, जिसमें हमने वापस एनिमल मॉडल में जाके पैथोजेनिसिटी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट देखी है। उसके अलावा उनको इम्यूनाइज करके फिर से हम ओमिक्रॉन का देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे हमें थोड़ा एक और आइडिया लगेगा कि बेसिकली जो ओमिक्रॉन को हम इतने अच्छे से थ्रू हो गए वो किस वजह से हुआ, तो वो एनिमल मॉडल में हम स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। नहीं, क्या कुछ इस तरीके के भी शक है कि जानवर से भी फैल सकता है कोरोना, कुछ इससे भी चल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी जियोनेटिक डिजीजेज है उसका फेयर तो हमेशा ही रहेगा, इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ है या जो एनिमल
जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें हमें देखते रहना। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि कुछ जू में इवन लायंस को इन्फेक्शन हुए थे, जो रिपोर्ट भी हुए थे डेल्टा वेव के दौरान, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन चूंकि हमारा इन्फेक्शन रेट ही काफ़ी कम हो गया है तो स्लोली शायद वो पॉसिबिलिटी कम होगी, बट हमें अभी विजिलेंट होना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि इस तरह का यदि कहीं सर्ज होता है तो हमें शायद वापस मास्क वगैरह के प्रैक्टिसेस तेजी से फॉलो करें। शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केस भले ही भारत में कम है लेकिन चुनौतियाँ आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, वो इसलिए क्योंकि कई देशों में केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और भारत में भी अगर वही स्थिति होती है तो वैज्ञानिकों के सामने भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो NIV पुणे उस दिशा में भी काम कर रहा है। रवि सिंह, पुणे, न्यूज़ 18 इंडिया।